जहां आम लोगों की नजर नहीं जाती वहां जांच एजेंसियों की नजर चली जाती है। जी हां, जांच एजेंसियां किसी भी वारदात को पैनी नजर से हर एंगल के जरिए देखती है और तलाशती है और कई ऐसे सबूत इकट्ठा करती है जिसकी उम्मीद नहीं होती है। यही हुआ है अंकिता भंडारी मर्डर मामले में। मैं आपको दिखाऊंगा कि रिसॉर्ट के पास से जो हड्डियां मिली है उस हड्डियों पर क्यों सवाल खड़े होने लगे हैं। दोस्तों, हड्डी का मतलब यही है किसी जीव की मौत एकदम पक्की हुई है, मौत मर्डर के जरिए हुई है या फिर नेचुरल हुई है, ये सवाल है। और दूसरी बात इसमें यही है कि या तो इंसान की मौत हुई है या फिर किसी जानवर की मौत हुई है। अब सवाल ये है कि हड्डी किसकी है। तमाम सवालों पर हम जवाब देंगे और सबूत दिखाएंगे। इसके पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर आप भी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में मदद करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए और जस्टिस फॉर अंकिता जरूर लिखिए। इससे सरकार और प्रशासन पर दबाव बढ़ेगा, जांच में तेजी आएगी। तो दोस्तों, चलिए सिलसिलेवार तरीके से फटाफट देखते हैं कि आखिर उस रिसॉर्ट में कौन कौन से सबूत मिले हैं जिसने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं और जो हड्डी मिली है उस हड्डी को लेकर किन बातों का जिक्र होने लगा है। क्या कोई नई कहानियां अब इसमें सामने आएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन हम आपके सामने सबूत रखेंगे। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। एक पत्रकार उस रिसॉर्ट में विजिट करने के लिए गए थे, रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे। वहां पर खून के धब्बे पाए गए थे। आप इन तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे हैं कि ये खून के धब्बे हैं, उसी रिसॉर्ट के हैं। अब सवाल इसमें ये भी है कि खून के धब्बे इंसानी हैं या फिर किसी जानवर का है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या जांच एजेंसियों ने इसका सैंपल लिया है? क्या इसकी जांच चल रही है? अब तक यह बातें सामने नहीं आ पाई है, केवल ये खबरें मीडिया में हैं। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से एक पत्रकार जब वहां पर गए थे तो तमाम चीजें सामने आई और इस बीच में जो हड्डी मिले हैं, हड्डी ने पूरी तरीके से इस मामले में नया मोड़ ला दिया है। कूड़े के ढेर में फटे हुए मोबाइल, टूटे हुए मोबाइल, नष्ट किए हुए मोबाइल। ये मोबाइल पुराने नहीं है बल्कि नए मोबाइल को ही दो टुकड़ों में करके फेंका गया है। एक टुकड़ा मिला है पत्रकार को, आप तस्वीर में आसानी से देख पा रहे हैं। इसके अलावा शराब की बोतलें हैं, उन कूड़ों के ढेर में शराब की बोतलें मिली है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस पूरे मामले में हड्डी ने जो नया मोड़ लाया है। दावा किया जा रहा है कि रिसॉर्ट के पास एक कूड़े के ढेर में हड्डियां मिली है। अब इसमें बात यह भी आती है कि रिसॉर्ट में मांसाहारी भोजन भी परोसे जाते थे। सवाल बीच में यह भी उठे कि रिसॉर्ट में हिरण के मांस भी परोसे जाते थे, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अब हड्डी कहां से आया? हो सकता है कि रिसॉर्ट में जो मांसाहारी भोजन परोसे जाते थे उसी की हड्डियां हैं, या फिर वो हड्डियां इंसानी हो सकती है, यह जांच का विषय है। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबूत मिल रहे हैं वो कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, कई बड़ी चीजों की गवाही दे रही है। अब ऐसा लग रहा है कि जांच के क्रम में कई ऐसी चीजें निकल सकती है जो पुलकित आर्ज को अब पूरी तरीके से लपेटे में ले सकता है। दोस्तों, ये तो तय है कि बहादुर लड़की अंकिता भंडारी ने अपनी जान देकर कई बेटियों की जान बचाई है और कई ऐसे गुनाह हैं जिसका पर्दाफाश किया है। इसके अलावा भी अंकिता भंडारी मर्डर मामले में कई बड़े सबूत मिले हैं, आप भी देखिए। वक्त बीतने के साथ साथ अंकिता मर्डर मिस्ट्री अब पूरी तरीके से मकड़े की जाल की तरह उलझता जा रहा है। जी हाँ, उनकी हत्या के 16 दिन बाद वो खुलासा हुआ है, वो सबूत सामने आया है जिसने जांच एजेंसी SIT के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। चलिए उस सबूत को देखते हैं कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले में सबूत ने नया मोड़ ला दिया है। अंकिता भंडारी जिस शॉट में काम कर रही थी उसमें कई ऐसे कर्मचारी हैं जो सामने आने से डर रहे थे और पुलकित आर्च के खिलाफ आवाज उठाने और उनके खिलाफ जो सबूत है वो रखने से डर रहे थे। लेकिन अब एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और उस रिसॉर्ट की असली कहानी बता रहे हैं सबूत के साथ। जी हां, और एक कर्मचारी सामने आया है जिसने साफ तौर से उस रात की पूरी कहानी बताई है। कहानी यह है, अंकिता भंडारी को रहने के लिए उसी रिसॉर्ट में एक कमरा मिला था जहां से बचाओ बचाओ की आवाजें आ रही थी और उस रात जो कुछ भी हुआ एक स्टाफ ने देखा। जी हाँ, उसने साफ तौर से देखा कि अंकित नाम का एक स्टाफ उस कमरे में डांस कर रहा है। यानी कि अंकिता के टॉर्चर से वहां के कुछ स्टाफ भी खुश थे क्योंकि वो लोग पुलकित आर्ज के साथ मिले हुए थे। अंकिता भंडारी के फोन में मर्डर के एक दिन बाद भी रिंग होता रहा था, यानी कि वो फोन पुलकित आर्ज के पास ही था। लेकिन नई जानकारी में यह बातें सामने आई कि अंकिता भंडारी का भी फोन नहर में है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि अंकिता भंडारी का फोन जिस दिन उनका मर्डर किया गया उस दिन नहर में नहीं फेंका गया, नहर में दूसरे दिन फेंका गया। अब सवाल यहां पर यह भी है कि अंकिता भंडारी के फोन को अगर दूसरे दिन फेंका गया तो फोन को फेंका किसने? दोस्तों, अंकिता भंडारी के कातिलों को इस बात का डर था कि अगर फोन को फेंकने के लिए उस जगह पर उसी रास्ते से जाया जाता है तो फिर से CCTV में उनके वीडियो कैद हो सकते हैं। इसलिए पुलकित आर्ज ने एक खतरनाक दिमाग लड़ाया। ये
बात तो आपको पता है कि पुलकित आर्य जिस तरीके से मर्डर के बाद लगातार बयान बदल रहे हैं, लगातार उनकी एक्टिविटी सामने आ रही है, इससे तय हो रहा है कि वो बहुत ही शातिर व्यक्ति है। मर्डर के बाद फोन फेंकने का तरीका भी काफी खतरनाक है। वो CCTV कैमरे वाले रास्ते से नहर तक नहीं पहुंचता है, वो जंगल ही जंगल नहर तक पहुंचता है और नहर में उनके फोन को फेंक देता है। अंकिता भंडारी के मर्डर से जुड़े कई ऐसे सबूत और कई ऐसे राज बेपर्दा हो रहे हैं जो आज पूरी तरीके से इस मामले को मकड़े की जाल की तरह उलझाता जा रहा है। दोस्तों, अंकिता भंडारी रिसोर्ट के ही एक कमरे में रहती थी, उनके कमरे से भी कई ऐसे सबूत मिले हैं जो पूरी तरीके से SIT को हैरत में डाल रहा है। उनके कमरे से होकर CCTV का तार गुजरा था, उसके तार को काटा गया, रूम के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट थे उसको नष्ट किया गया, पर्दे को जलाया गया, कई ऐसे सबूत है जिसको नष्ट किया गया और बुलडोजर से उनके ही कमरे को सबसे पहले तोड़ा गया, यानी कि सबूत को मिटाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन SIT की पैनी नजर ने सबको पकड़ लिया है और लगातार वो सबूत को इकट्ठा कर रहा है। अंकिता भंडारी से जुड़े आखिरी वीडियो की चर्चा लगातार चल रही है। चलिए मैं आपको उनका आखिरी वीडियो दिखाता हूँ कि किस तरीके से अंकिता उसमें खुश नजर आ रही है। दोस्तों, ये वीडियो उनकी जिंदगी के आखिरी रक्षाबंधन की है। दिल्ली में रह रहे उनके भाई ने उनके लिए कपड़े भेजे थे, वो कपड़ा पहनकर बहुत खुश नजर आ रही है, उसका वीडियो भी उन्होंने बनाया है। यही वीडियो आप लगातार देख पा रहे हैं। अंकिता भंडारी केस में कई ऐसे ऑडियो टेप भी सामने आए हैं जो पूरी तरीके से लोगों को हैरत में डाल रहा है। एक नया ऑडियो टेप भी सामने आया है, पूरा वीडियो जरूर देखिए। जब मैंने आपको फोन किया था ना 9 बजे, हाँ, जब मैंने आपको लास्ट टाइम पे फोन किया था, हाँ जी, तो उस टाइम पे वो मेरे साथ ही थी। अगर आपका फोन उनके पास है और मैं तीन बार रात को कॉल कर रहा हूँ तो मेरे फोन पे क्या आपने? हाँ, आपके फोन पे। तो मेरा फोन भी घंटी बजी? हाँ जी। और मेरा फोन घंटी बजी और मेरा फोन भी नहीं उठाया? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, ये रात की बात है। कोई 10:30 बजे की बात है। 10:30 बजे तो हम लोग सो रहे थे हमारे रिसोर्ट में। अच्छा, देखिए, जब आप बाहर थे ना, हाँ, तब मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी, उसके बाद आके सिर्फ आपका फोन आया था मुझे। अच्छा, उसके बाद से उनका फोन बंद है और अभी तक बंद ही है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं तो उसके बाद सीधा वहाँ आया रिसोर्ट में और मैंने रिसोर्ट में अपना वही रुका। हाँ। सुबह सुबह निकला मैं रिसोर्ट से 6 बजे करीब। अभी आपको फोन मिला? नहीं मिला अभी तक ना। अभी नहीं मिला फोन मेरा? नहीं मिला ना। तो आप अपने फोन को सर्च कीजिए ना। मैंने, अरे भाई, मैंने सुबह सुबह उसको सौरभ को भेजा था ना अपने फोन को सर्च करने के लिए। मैंने सौरभ को बोला, मैंने कहा, भास्कर को बोला, मैंने कहा सौरभ ऐसा है, वो अंकिता के रूम में मेरा फोन पड़ा हुआ है, उसे नॉक करके जो है ना मेरा फोन उठा करके चार्जिंग पे लगा दे, मैं अभी थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ रिजॉर्ट में। तो उसने मेरे को बोला कि भैया, उसने सौरभ को भेजा, उसने बोला भैया वो तो रूम में नहीं है। मैंने कहा अच्छा, और उसका सामान वगैरह क्या रहा? सामान सब रखा उसका। अच्छा, CCTV तो होंगे ना प्रॉपर्टी के? हाँ, चेक तो करता हूँ मैं CCTV क्या है, क्या चल रहे हैं, क्या है, क्या स्थिति है। नहीं, चलते तो होंगे, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं चलते होंगे। जी जी, बोलिए। मेरे साथ ना, मैं आपसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, समझ रहे हैं आप? मुझे ना, मतलब सिनेरियो ना, मुझे कचोट रहा है।